लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में बीजेपी की सरकार को बड़ा झटका लगा है। 3 निर्दलीय विधायकों ने नायब सिंह सैनी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया। 3 निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलेन और धर्मपाल गोंदर ने कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला लिया है। हरियाणा में इस वक्त बीजेपी के, आपको बता दें कि कुल 40 विधायक हैं, जबकि हरियाणा लोकहित पार्टी का 1 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक सरकार के समर्थन में हैं। लेकिन इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इस वक्त 43 विधायकों का समर्थन जो हासिल है, अगर नायब सिंह सैनी सरकार चुनाव जीत जाते हैं तो यह आंकड़ा 44 हो जाएगा। तो बड़ी अपडेट है इस वक्त, हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में बीजेपी की सरकार को बड़ा झटका। और आज प्रदेश की जनता इस सरकार से तंग है, किसान तंग है, मजदूर तंग है, व्यापारी कर्मचारी हर वर्ग परेशान है और जनता का माइंड भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन रहा है और लोगों की, मेरे हलके की यही इच्छा थी कि आप सरकार से समर्थन वापस लो। तो हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार के पास इस वक्त 43 विधायकों का समर्थन हासिल है और अगर नायब सिंह सैनी चुनाव जीत जाते हैं तो यह आंकड़ा 44 का हो जाएगा। लेकिन फिर से सरकार बहुमत से पीछे रह जाएगी, क्योंकि हरियाणा विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा जो है वो 45 है, क्योंकि कुल 90 सीटें हैं। लेकिन सरकार के लिए फिलहाल खतरे की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस बजट सत्र में ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी जो कि ध्वनिमत से गिरा दिया गया था और अब इस आधार पर ही 6 महीने तक सदन में दूसरा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। हरियाणा सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नायब सिंह सैनी सरकार पर निशाना साधा है और उनके इस्तीफे की मांग कर डाली है। तो दिग्विजय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने जो बीजेपी सरकार को समर्थन दे रखा था, इंडिपेंडेंट विधायक हैं, उन्होंने समर्थन अपना वापस लिया है और बाहर से कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है और ये फैसला उन्होंने जन भावनाओं के अनुसार किया है। जन भावना बन चुकी है, सरकार के मौजूदा सरकार के खिलाफ है, उन्होंने कहा भी जन भावना बनी हुई स्वास्थ्य है, कांग्रेस का समर्थन करना चाहते हैं। क्या सरकार को कोई खतरा है सर? देखिए, मॉरल राइट खत्म हो गया सरकार का, प्रशासन का, और उन सरकार को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति लागू शासन लागू कर देना चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए। अगर भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के रक्षक हैं, अगर वो सही मायने में लीडर ऑपोजिशन हैं, तो उन्हें दोपहर से शाम तक का भी इंतजार नहीं करना चाहिए था। सरकार अगर असली मायने में अल्पमत में भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो आज जो 3 विधायकों का समर्थन उनको हासिल हुआ है और 30 कांग्रेस के सारे ठोस हैं तो फिर वेट किस चीज की कर रहे हैं? अरे, इतने बड़ी बात तो ये तो मिनटों का खेल होता है, घंटों का थोड़ी, दिनों का थोड़ी। निर्दलीय विधायकों के हरियाणा सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और ये कहा कि कांग्रेस आजकल लोगों की इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के पास न तो किसी तरह की नीति है न किसी तरह की नियति। और देखिए, क्योंकि ये जानकारी आई है मेरे पास भी, कहीं विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है शायद, क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि इसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है तो उनकी इच्छाएँ पूरी करने में। इसी बीच वहां की जंगीपुरा लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार और टीएमसी के एक कार्यकर्ता के बीच हुई भिड़ंत की तस्वीरें भी सामने आई। उन दोनों ने एक दूसरे पर वोट देने पहुंचे लोगों को धमकाने का आरोप लगाया। ये बवाल तब हुआ जब जंगीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी धनंजय घोष एक मतदान केंद्र पर पहुंचे, लेकिन वहां से निकलने के दौरान ही उनकी टीएमसी के उस कार्यकर्ता से बहस हो गई और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। वोटर को स्लिप कर रहा है।
इस झड़प से पहले की तस्वीरों में टीएमसी का वो कार्यकर्ता मतदान केंद्र के अंदर अपने मोबाइल फोन में वीडियो रिकॉर्ड करता दिखा। इसी दौरान जंगीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार धनंजय घोष वहां पहुंच गए। उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करने पर आपत्ति जताई, लेकिन टीएमसी के उस कार्यकर्ता ने धनंजय घोष पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगा दिया। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। धनंजय घोष ने पहले सुरक्षा कर्मियों से शिकायत की, लेकिन इसी बीच गुस्से में उन्होंने टीएमसी के उस कार्यकर्ता को धकेल दिया, जिसकी वजह से वहां हंगामा हो गया। बवाल बढ़ने पर उस मतदान केंद्र पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा। बीजेपी उम्मीदवार ने टीएमसी के उस कार्यकर्ता पर वोटरों को डराने धमकाने का आरोप लगाया। एक कुत्ता सीखो जैसे ऐसा व्यवहार कर सकता है तो जनगण का क्या कर सकते हैं। बीजेपी ने इस मामले को चुनाव आयोग के सामने उठाने की भी तैयारी कर ली। और यूपी की सियासत से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया, साथ ही उन्हें उत्तराधिकारी बनाए जाने का फैसला भी वापस ले लिया है। मायावती ने यह फैसला लोकसभा चुनाव के बीच किया। 3 चरणों के चुनाव हो सकते हैं और हो चुके हैं और 4 चरणों के चुनाव जो है वो अभी होने बाकी है, और इस बीच ये बड़ा फैसला मायावती की ओर से लिया गया है। और चुनाव के दौरान ही मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद पर ये बड़ी कार्रवाई की है और उन्हें दोनों पदों से मुक्त कर दिया है। ये बड़ी अपडेट, आपको बता दें कि आकाश आनंद को तमाम महत्वपूर्ण पदों से मुक्त कर दिया मायावती ने। चुनाव के बीच मायावती का बड़ा फैसला, आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया। आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला भी वापस। लोकसभा चुनाव के बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। देश में 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 4 चरणों के चुनाव होने बाकी हैं, लेकिन इस बीच मायावती ने बड़ा फैसला लिया जो कि बेहद चौंकाने वाला है। लोकसभा चुनाव में बीएसपी के लिए चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाल रहे आकाश आनंद को बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने संयोजक के पद से हटा दिया है और इसके साथ ही आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला भी वापस ले लिया गया। इसे लेकर मायावती ने एक पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। बीएसपी में आकाश आनंद का कद इतना बड़ा था कि खुद मायावती ने उन्हें उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की थी। मायावती ने 10 दिसंबर 2023 को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में उन्हें उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान किया था, लेकिन इससे पहले से ही वो बीएसपी के कार्यक्रमों में नजर आ रहे थे। लोकसभा चुनाव के बीच बीएसपी का ये फैसला बेहद चौंकाने वाला है और उनके इस फैसले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी ने बीएसपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तक करार दिया। बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है और इसीलिए जब जेब में आता है जैसे निर्णय करना चाहती है वैसा निर्णय कर लेती है, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति, मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती है। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है।